साथियों, आज के समय में हर घर में कंप्यूटर होना एक आम बात हो गई है, और ऐसे में समस्याएं भी बहुत बढ़ गई हैं। बच्चे काम करते कंप्यूटर के अंदर, हम चाहते हैं कि वो जब भी ऑनलाइन काम करे तो वो वेबसाइटें ना खोल सके। कुछ ऐसी वेबसाइटें, समझ गए होंगे किस तरह की वेबसाइटें, जैसी भी आप चाहते हैं कि जो भी वेबसाइट कोई भी है, फेसबुक ना चला सके, यूट्यूब ना चला सके, इस तरह की कोई वेबसाइट अगर बच्चे ना चला सकें या कोई और आपके कंप्यूटर में वो वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सके, तो हम उनको ब्लॉक कर दें। और ब्लॉक किस प्रकार करेंगे ये हम इस वीडियो में बताएंगे। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरु जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो वेबसाइट मैं ब्लॉक करके दिखाऊँगा एग्जाम्पल के लिए, वो चल रही है कि नहीं चल रही है। जैसे मैं यहाँ पर ब्लॉक करूँगा, मैं एक तो फेसबुक को, यहाँ पे मैं फेसबुक ऑन करता हूँ तो आप देखोगे मेरे पास फेसबुक पेज खुल रहा है। या फिर कोई अदर, मैं यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे डालूँगा यूट्यूब, मैं ऐप चुन लेता हूँ यूट्यूब की, यहाँ से तो यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब भी मेरे पास यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, मैं दोनों वेबसाइट ब्लॉक करके दिखाऊँगा आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं फ़िलहाल इनको होम पे चला जाता हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने माई कंप्यूटर में जाएं, एक एक स्टेप ध्यान से देखें, बिल्कुल आराम से। माई कंप्यूटर ऑन हो गया, यहाँ से सी पार्टिशन में जाएंगे। सी के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे विंडोज़, विंडोज़ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप चले जाएं सिस्टम 32 बिट, ये यहाँ पे, ओके। सिस्टम 32 के अंदर आपको मिलेगा ड्राइवर्स, ड्राइवर्स के अंदर मिलेगा आपको एक एक्सेट्रा का फोल्डर, यहाँ पे आप नज़र डाल रहे हैं आपको मिल रहा है होस्ट के नाम से। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करें और इसको ओपन विद नोट पैड या फिर नोट पैड प्लस प्लस, जो भी आपके पास है उसमें ओपन कर लें। मैं इसमें नोट पैड प्लस प्लस में ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये जो होस्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला होस्ट आपको भी नज़र आएगा, जो लोकल होस्ट होगा आपका, इसको यहाँ से कॉपी कर लें और नीचे कर दें पेस्ट। अब हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं, यहाँ पर एक नंबर को हटा के मैं डाल देता हूँ 2 नंबर। एक नंबर तो हो गया मेरा लोकल होस्ट, 2 नंबर डाला मैंने, स्पेस यूज़ करूँगा और मैं करूँगा यहाँ पे www.facebook.com। ठीक है, इसके बाद कोई सेकंड वेबसाइट है तो मैं फिर से इसको पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 3 नंबर। यहाँ मैं डाल देता हूँ facebook.com, तो इस प्रकार से भी सर्च करते हैं। फिर से मैं पेस्ट करूँगा और 4 नंबर पे मैं डाल लेता हूँ www.youtube.com, एंटर। फिर से मैं एक बार और डालूँगा 5 नंबर पे, यहाँ पे कर देता हूँ ओनली YouTube। ठीक है, सिर्फ आपने जो वेबसाइट ब्लॉक करनी है उसका फुल एड्रेस और उसका शॉर्ट एड्रेस दोनों वहाँ पे डाल दें और उस फाइल को कर दें सेव। कंट्रोल एस दबाएंगे या फिर हम फाइल में जाएंगे और इसको कर देंगे सेव। तो यहाँ पे मेरे पास पूछ रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड के लिए, मैं यस कर दूंगा। यस करके मैं इस फाइल को फिर से सेव कर देता हूँ और बेशक इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ करने के बाद आप अपने ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट सर्च करेंगे, मैं फेसबुक को ही सर्च कर रहा हूँ और एंटर यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए अब कह रहा है साइट कांट बी रीच, ये कह रहा है जब facebook.com है रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, यानी कि अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। या फिर हम देखें फिर से होम में जाएंगे तो देखिए होम पे जा रहा हूँ मैं, तो हमारा नेट चल रहा है, चल रहा है ना, ओके। अब हमने फिर से कनेक्ट करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इस पेज पे आ जाएंगे, राइट क्लिक करके ओपन विद नोट पैड प्लस प्लस, और जो हमने हटानी है, जो वेबसाइट चलानी है उसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, डिलीट, ओके। और उसको जैसे कि जैसे सेव कर देंगे, यस यस, और क्लोज कर देते हैं हम कम्प्लीटली। अब हम फिर से होम में चले जाते हैं, यहाँ से हम फेसबुक चलाएंगे, फिर से मैं फेसबुक ऑन करता हूँ तो देखिए फेसबुक खुल रहा है। या फिर हम फिर से होम में जाएंगे और यहाँ पे हम चलाते हैं यूट्यूब, तो अब ये YouTube भी चल रहा है, ओके।
आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें लाइक कर दीजिए, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।